फाइनली गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रभास की फिल्म कल्की की छठे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में। इंडिया के ट्रेड एक्सपर्ट अभिषेक सिंह और मनीष जी की तरफ से फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुका है, जिस फिल्म की छठे दिन की क्या कमाई के आंकड़े देखने को मिलने वाली है। टोटली कलेक्शन पे बात करेंगे, मगर कुछ पॉइंट पे ये बात करने वाले हैं कि अब साउथ के स्टार और साउथ के फिल्मों से बॉलीवुड को कुछ नया सीखना चाहिए, उन लोगों को कुछ नया करना चाहिए। जिस तरह से साउथ लगातार बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रहे हैं और उनका अब भाई हॉलीवुड लेवल का जहां तक फिल्म आ रही है, उनकी फिल्मों को लेकर जिस तरह से बातें किया जा रहा है, वाकई बहुत ही कमाल का होता है। और जहां तक पहले ये कह रहे थे कि बॉलीवुड से साउथ को कुछ सीखना चाहिए था, मगर अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई साउथ से बॉलीवुड को कुछ सीखना चाहिए और बॉलीवुड के कलाकारों को कुछ नया सीखना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से भाई साउथ वाले आखिरकार बॉलीवुड को जहां तक अभी भी हाथ थामे हुए हैं, उनको हाथ थाम कर आगे ले जा रहे हैं, यह बेशक बहुत ही खास बात है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिशा पाटनी जहां तक कल्की फिल्म में नजर आई, जी हां बेशक बहुत ही अच्छी कलाकार थे, यहां तक दीपिका पादुकोण भी आप लोगों को कल्की फिल्म में नजर आए, बहुत अच्छा काम किए। तो आखिरकार यूनिक फिल्म लेकर आना चाहिए पब्लिक के लिए, जो आखिरकार पब्लिक उस फिल्म को देखे दिल से। उनका उनका अगर पैसा अगर समय लग रहा है तो उनको भी यह एहसास होना चाहिए कि भाई मैंने कुछ नया देखा, कुछ अलग देखा, कुछ खास देखा और फुल पैसा वसूल फिल्म था। और आखिरकार बॉलीवुड के इन कुछ दिनों से ये चीज़ देखने को मिल रही है, जो आखिरकार भाई बार बार रीमेक फिल्म ऐसी बकवास स्टोरी लेकर आ रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कतई ही नहीं चल सकती है। वो जान रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप होगी, नहीं चलेगी, तब भी लेकर आ रहे हैं। मतलब उनके पास लग रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अपने कैरियर को खुद ही खत्म करना चाहते हैं। अभी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है, वो भी रीमेक फिल्म है। क्या मैं कहूँ, अक्षय कुमार की लगातार जितने सारे फिल्म हैं वो रीमेक आ रहे हैं। तो अभी आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड में एक दो कलाकार ऐसे हैं जो अभी कुछ नया करने की कोशिश किए हैं। जैसे शाहरुख खान साहब का नाम ले लेते हैं, भाई शाहरुख खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म लेकर आए, उनको भी लगा कि भाई पब्लिक को कुछ नया कंटेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए वैरायटी। तो आखिरकार उन्होंने कुछ नई फिल्म पर जहां तक उन्होंने काम की जो काफी लोगों को पसंद आया, बॉक्स ऑफिस पर हजारों करोड़ों की कमाई की, लगातार उनकी पठान, जवान, डंकी तीनों की तीनों हिट गई बॉक्स ऑफिस पर। कई सारे और भी फिल्म आए हैं आप लोगों को पता है। तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ यूनिक फिल्म आखिरकार जो आए हैं बॉलीवुड से वो चली है, मगर जितने सारे झरली फिल्म आ रही है वो नहीं चल पा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी जहां तक बॉलीवुड के कलाकार हैं वो कुछ नए फिल्मों पर काम करें, जैसे शाहरुख खान साहब ने काम किया है, उसी तरह से कुछ नई फिल्म अगर आप लोग लेकर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर चलेगी अथवा वो नहीं चलेगी। वहीं साउथ का ले लीजिए कलाकार, हर एक कलाकार कुछ नई फिल्मों पर अच्छी तरह से काम करते हैं, कुछ नई स्टोरी पर काम करते हैं। आप लोगों को पता है कल्की आई, अब जहां तक पुष्पा 2 आने वाली है वो समझिए बॉक्स ऑफिस पर ये सब फिल्म लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर फाड़ कर चित्रे चित्रे उड़ा देगी, बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई होगी, ऐसी फिल्म लग रही है। तो आखिरकार ऐसी फिल्म लेकर आना चाहिए, आखिरकार बॉलीवुड वालों को कुछ समझना चाहिए कि आखिरकार पब्लिक का डिमांड क्या है। बाकी कल की फिल्म की अगर इसके कलेक्शन पर नजर डाले तो आप लोग मेरे स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, इस फिल्म की पहले दिन वर्ल्ड वाइड कुल 191.50 करोड़ रुपए की कमाई रहा था, दूसरे दिन 107 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई रहा, तीसरे दिन 116.50 करोड़ रुपए की कमाई रहा, चौथे दिन 140 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई रहा, पांचवें दिन कुल 77 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई रहा, और छठे दिन आज की अगर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में कुल 20 करोड़ रुपए की कमाई रहने वाली है, तमिल लैंग्वेज में 2.80 करोड़ रुपए की, तेलुगु लैंग्वेज में 18 करोड़ रुपए की, मलयालम लैंग्वेज में 1.20 करोड़ रुपए की, कन्नड़ लैंग्वेज में कुल 35 लाख रुपए की, इंडिया नेट कलेक्शन 42.35 करोड़ रुपए की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ रुपए की, ओवरसीज कलेक्शन 28 करोड़ रुपए की और वर्ल्ड वाइड कुल 78 करोड़ रुपए की रिपोर्ट्स क्लियर कर दी गई है। टोटल कलेक्शन पर नजर डाले तो हिंदी लैंग्वेज में कुल 150 करोड़ रुपए 1 से 6 दिनों में कमाई के रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, तमिल लैंग्वेज में 24.10 करोड़ रुपए की, तेलुगु लैंग्वेज में कुल 207.05 करोड़ रुपए की, मलयालम लैंग्वेज में कुल इसके 13.20 करोड़ रुपए की, कन्नड़ लैंग्वेज में कुल 2.65 करोड़ रुपए की, साथ में इंडिया नेट कलेक्शन 397 करोड़ रुपए की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 470 करोड़ रुपए की, ओवरसीज कलेक्शन 240 करोड़ रुपए की और वर्ल्ड वाइड कुल 710 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सेट कर दिए। समझ लीजिए कि फिल्म की बजट बहुत ही ज्यादा था, 600 करोड़ था और अपनी बजट से ज्यादा की कमाई करके ऑलरेडी इस फिल्म ने मेगा ब्लॉकबास्टर का टैग अपने नाम दर्ज कर लिया है। तो और क्या चाहिए, आखिरकार फिल्म ऐसा लाओ जो बॉक्स ऑफिस पर चले, और ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले वीकेंड में अभी करोड़ों की कमाई तो अभी बाकी है, बॉक्स ऑफिस पर ये 1000-2000 करोड़ ऐसे
पार कर जाएगी, जिसका क्या ही कहना। बाकी ये इसी रिपोर्ट देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है कि साउथ की फिल्मों को लेकर और बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर आप लोग का क्या ओपिनियन होना चाहिए, नीचे कमेंट्स में अपना अपना ओपिनियन जरूर साझा करें। क्या बॉलीवुड वालों को कुछ नया करना चाहिए, नई स्टोरी पे काम करना चाहिए कि बार बार वही रिमेक 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 रिमेक, तो इस तरह की बातों को लेकर अपना अपना ओपिनियन जरूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।